बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस LMS वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम रीअपीयर स्टूडेंट्स के केसेस को किस तरह से डील करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, और वो स्टूडेंट्स जिनका इम्प्रूवमेंट केस है उसको भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो फेल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप समराइज उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैंपस रिपोर्ट्स पे जाएंगे, और देन अंडर द एग्ज़ाम आपके पास फेल स्टूडेंट के नेम से फील्ड अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे और देन आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप इन फील्ड्स को फुलफिल करेंगे तो आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी फेल स्टूडेंट रिपोर्ट के नेम से। जो फील्ड्स यहाँ पे ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में इंडिकेट हो रही हैं, मीन दीज आर द नेसेसरी फील्ड्स और इनको फिल करना ज़रूरी है। तो मैं अभी फॉल 2018 में जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे उनकी मैंने एक रिपोर्ट निकाली है, और ये मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उन स्टूडेंट्स की जिन जिन सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स फेल थे। देन आप क्या करेंगे, वो वाले स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में आपको शो नहीं होंगे। आप क्या कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, आप स्टूडेंट को कहेंगे कि वो रीअपीयर एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करें, जो कि उनको एकेडमिक्स के अंदर, जो स्टूडेंट अकाउंट होगा स्टूडेंट पोर्टल के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर उनको रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए एप्लीकेशन फिल करनी होगी। उसकी सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड है। जब स्टूडेंट रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा तो वो रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर को रिसीव हो जाएगी, और वो आपको इसी अपने LMS के अकाउंट में, कोऑर्डिनेटर के अकाउंट में, अंडर द एकेडमिक्स ग्रुप आपको रीअपीयर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन की फील्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक अगेन विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नेचर बताना चाह रहे हैं, रेगुलर सेमेस्टर है या समर है। मैं यहाँ पे रेगुलर सेमेस्टर सेलेक्ट करूँगा। देन आप उसको जिस सेमेस्टर में स्टूडेंट को रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो सेमेस्टर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग 2020 सेलेक्ट करूँगा, सॉरी मैं फॉल 2019 सेलेक्ट करूँगा। एंड देन प्रोग्राम ऑफर, जिस प्रोग्राम ऑफर के लिए आपने रीअपीयर का केस जनरेट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आपने कोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडी का कोर्स जो है वो सिलेक्ट करूँगा, और देन मैं इसको सेव कर दूँगा। और ये अभी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो मेरा अभी ड्राफ्ट केस में है। जब मैं एडिट करूँगा और लोड डाटा पे करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास उन स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो ऐड हो जाएंगी इस लिस्ट में जिसमें इन स्टूडेंट्स ने ऐड किया हुआ है, और देन मैं इसको सेव कर दूंगा। अब नेक्स्ट केस प्रेपरेशन पे जाने से पहले आपने क्लास प्लानिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने उस क्लास की जिसमें आपने उन स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, लेकिन ये काम आप तब कर पाएंगे जब आपकी स्टेट जो है सेमेस्टर की वो रजिस्ट्रेशन ओपन में पड़ी होगी। अगर आपका ये सेमेस्टर करंट होगा तो फिर स्टूडेंट उसमें रजिस्टर नहीं हो सकेगा। चले हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अगेन मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से अब मैं प्रोग्राम ऑफर सेलेक्ट करूँगा, देन सेमेस्टर बताऊँगा, और सेमेस्टर मेरे पास फॉल 2019 है, और अब मुझे कोर्स सेलेक्ट करना है, डेट इज़ पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टडीज़, और ये मेरे पास रीअपीयर का केस है तो मैं यहाँ पे क्लास टाइप रीअपीयर सेलेक्ट करूँगा। रेस्ट जो फील्ड्स हैं आप उनको फुलफिल करेंगे। फैकल्टी आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं फैकल्टी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, जो एग्ज़ाम लेगा इंस्ट्रक्टर, वो आप यहाँ पे फैकल्टी सेलेक्ट कर देंगे। देन अदर एलिमेंट बहुत सिंपल से हैं, और उसके बाद सिंपल मैं इसको सेव कर दूँगा, और अभी ये मेरी क्लास जो है वो ड्राफ्ट में है। तो स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए क्लास प्लानिंग में इसकी स्टेट का प्री प्लानिंग में होना ज़रूरी है। और यहाँ से अब आप देखें मेरे पास सारी जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन थी लेसन प्लान से रिलेटेड ऑटोमेटिकली इसने कॉन्फ़िगरेशन से इंपोर्ट कर ली हैं। इसी तरह से फर्दर आप यहाँ पे अब हमने इन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है।
तो क्या करेंगे जी, अब हम अगेन वापस जाएंगे अपनी स्टेट पे, रीअपीयर रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन पे, और अब हम इसको यहाँ पे प्रिपेयर केस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखें आपको क्लास नज़र आ रही है, और ये मेरे पास क्लास आ गई। पहले आपने कोर्स स्पेसिफाई किया था, अब ये यहाँ पे मैंने क्लास सिलेक्ट कर दी है। इसके बाद मैं इसे सेव कर दूँगा, और देन जब मैं अप्रूव करूँगा तो ये अप्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी मुझे एरर रिसीव हुआ है, क्रेडिट आर लिमिट एक्सीड। तो इस सूरत में अगर आपके पास ऐसा एरर आता है तो स्टूडेंट को अगेन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रोविजनल क्रेडिट ऑर्डर के लिए। तो वो आपको स्टूडेंट पोर्टल के टैब के अंदर अंडर द एकेडमिक्स ग्रुप मिलेगी, प्रोविजन क्रेडिट और रिक्वेस्ट। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट की रिक्वेस्ट अवेलेबल है, तो मैं वन बाय वन इन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दूंगा। देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और अब जो नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट है इसकी भी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सब स्टूडेंट के लिए जो रिक्वेस्ट थी उनको एक्सेप्ट कर ली है। अब मैं अगेन अपने रीअपीयर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पे आऊँगा, और यहाँ से इसे अप्रूव करूँगा, और यहाँ पे इनकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है। देन मैं क्लास प्लानिंग पे जाऊँगा, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये स्टूडेंट्स के अंदर देखें ऑटोमेटिकली मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। देन आप प्लानिंग पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट आपने क्लास को ऑपरेशनल कर देना। ऑपरेशनल करने के बाद आपने मूव करना है अंडर द सेमेस्टर ऑफर, और इस सेमेस्टर ऑफर के अंदर आपने एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्लास प्लानिंग एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। देन आप इस पे एक्नॉलेजमेंट फॉर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम ऑफर सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्लास के लिए आपने एक्नॉलेजमेंट करनी है, और आप ये देखें जो क्लास हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है, और इसके बाद इसे प्रोसीड कर देंगे। अगर आप एक्नॉलेजमेंट का स्टेप परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीचर ना रीअपीयर स्टूडेंट की या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस ऐड नहीं कर सकेगा, और ना ही फर्दर आगे प्रोसीड हो सकेगी क्लास। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप रीअपीयर के केसेस को एलएमएस के अंदर किस तरह से डील करेंगे, या इम्प्रूवमेंट के केसेस के लिए आप उनको किस तरह से डील कर सकते हैं। सिंपल सा स्टेप है, स्टूडेंट अपने पोर्टल से रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, कोऑर्डिनेटर उसको अप्रूव करेगा, और देन क्लास प्लानिंग परफॉर्म करेगा कोऑर्डिनेटर, और देन उस क्लास प्लानिंग के अंदर वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएंगे। थैंक यू।